ये मार बहुत करीब है, बहुत करीब है। अगर इस कौम ने खुद को बदल लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखेगा, लेकिन अगर नहीं बदला तो अल्लाह माफ करे। एक बार हम देख नहीं चुके 2005 में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें झंझोड़ के रख दिया, ज़मीन में धंसा के रख दिया। और जो अजाब की फॉर्म हम बस्तियों के बारे में कुरान में और रवायात में पढ़ते थे वो इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखी हैं। एक जगह पे हम जलजले के बाद गए, अल्लाहु 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 अल्लाह। तो सिर्फ मुझे जो नज़र आ रहा है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला इस कौम को यकीनन बहुत सख्त झंझोड़ने वाला है। अल्लाह ने इस कौम को बहुत मौके दिए, जैसे अल्लाह ताला सूरह ज़ुहा में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। कि आप सल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि हमने आपको यतीम नहीं पाया था और फिर हमने आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ालन फ़हदा, और फिर हमने आपको रास्ता ढूंढते हुए पाया और फिर हमने आपको हदायत दी। ववजदका आइलन फ़अग़ना, और फिर हमने आपको मुश्किल हालात में पाया और फिर हमने आपको अपने फजल से गनी कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर वअम्मस्साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। के फिर मिस्किनों के साथ, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मांगने वालों को मत झड़को। कि आप सल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने इस कौम को भी इसी तरह नवाजा है। यह आयात नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए ख़ास है, लेकिन ये इस कौम पर भी पूरी उतरती है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हम बग़ैर हुकूमत के नहीं थे? क्या हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा था अंग्रेज़ों से? अंग्रेज़ हमारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहे थे? क्या हिंदू हमारी इबादत गाहों में, हमारी मस्जिदों के बाहर आकर ढोल बाजे नहीं थे करते? क्या हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, बहन, बेटी महफूज थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में? क्या हमें नमाज, रोज़े की इबादत की ज़िंदगी गुजारने की, इस्लामी निज़ाम कायम करने की आज़ादी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अलम यजिद का यतीमन फ़अवा, अल्लाह ताला ने हमें उस हालत में पाया, हमारी हैसियत नहीं थी। हम तो गुनाहों में पड़े हुए, अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र करने वाली, अपना माल, अपने मवेशी, अपना कारोबार, अपनी रोज़ी उसमें लगे हुए थे। फ़अवा अलम यजिद का यतीमन फ़अवा। फिर अल्लाह ताला ने हमें फ़अवा, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में एक ठिकाना अता किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की, जिसके अंदर हमारी अपनी हुकूमत थी और है। ववजदका ज़ालन फ़हदा, और हम गुमराहियों में पड़े हुए थे। जितना ज़्यादा हम हिंदू के साथ रहते थे, हम उनकी तहजीब को अपनाए हुए थे, उनके रस्तों को अपनाए हुए थे, उन्हीं के तरीके के ढोल बाजे, उन्हीं के तरीके के रस्म रवाज, उन्हीं तरीके के। फिर अगर वो अपने मंदिरों पे जाते थे, बुतों को पूजते थे, तो हमने भी ज़रूरी समझा कि हम भी कब्रों और मज़ारों के ऊपर जाएं और उनको पूजें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर वो अपनी रस्म और रवाज करते थे, तो हमने भी अपने अपने पता नहीं फ़लानी शरीफ और फ़लाने उर्स और फ़लाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने भी इन्वेंट कर ली थी। ववजदका ज़ालन फ़हदा। फिर अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा। इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े बुज़ुर्ग अता किए। अल्लाह ताला ने हमें मौलाना मदूदी की फॉर्म में एक मुजद्दिद अता किया, डॉक्टर इसरार अहमद की फॉर्म में मुजद्दिद अता किया, अल्लामा इकबाल की फॉर्म में अल्लाह ताला ने इस्लाह का काम लिया, तबलीगी जमात से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया है, इसी तरह उलमाए देवबंद से अल्लाह ताला ने कितना काम लिया है। मुख्तलिफ, मैं तमाम मकातब फ़िक्र को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक में से लोगों को, उलमा को और इस्लाह करने वालों को उठाया और पाकिस्तान में इस्लाह का कितना बड़ा काम हुआ है। और आज हम उस दौर में हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है डॉक्टर इसरार अहमद के क्लिप्स। कि जब, मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे, कि जब उनकी बात को बताया जाता था तो लोग ये कहते थे कि हमने ये बात नहीं सुननी कि हम फितने में ना मुब्तला हो जाएं, पता नहीं उनको क्या समझते थे। ववजदका ज़ालन, हम वो गुमराह लोग थे जो हिंदुओं के तरीक़ों पर चलने वाले थे। फ़ादा फिर अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी। वह वजह तक आइलन फागना, और हम कौन थे कि जब मुहाजिर यहाँ पर आते हैं तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, हुकूमत चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, और कीकर के कांटों से स्टेपलर की पिन की जगह पे गवर्नमेंट का निज़ाम चलाया जाता था, कीकर के कांटों से पेपर जोड़ा जाता था। और आज देखिए अल्लाह ताला ने हमने कितना गनी कर दिया कि हमारे गली कूचों के अंदर अंडरपासेस मौजूद हैं, बेहतरीन मोटरवे हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब्स हमारे पास हैं, अज़रार मिज़ाइल हमारे पास हैं, अलखालिद टैंक हमारे पास है, और शाहीन और हतफ और पता नहीं मुझे तो नाम भी नहीं आते। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतों से हमें नवाजा है। चार मौसम हमारे पास हैं, हर तरह की सरजमीन हमारे पास है। सहरा पाकिस्तान में, समंदर पाकिस्तान में है, दरिया पाकिस्तान में है, बहार पाकिस्तान में, ख़ज़ां पाकिस्तान में, पहाड़ पाकिस्तान में, हर नेमत अल्लाह ताला ने दी। लेकिन हमने उसके जवाब में क्या किया? क्या हमने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम किया? नहीं किया। क्या हमने यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम कायम किया? नहीं किया। क्या हम अल्लाह अपने फ़ैसले अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्मों के मुताबिक करते हैं? नहीं करते। यहाँ पर बच्चों पर जुल्म हो रहा है। जुल्म की क्या इंतहा हो चुकी है कि ज़ैनब, मुझसे तो उसका नाम भी नहीं लिया जाता, उसके वालिद मोहतरम काबा शरीफ में जाते हैं, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाते हैं, वापस आते हैं तो बच्ची कूड़े के ढेर से मिलती है। हमने क्या निज़ाम बनाया यहाँ पे? जब अल्लाह ताला इस कदर नेमतें अता करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मुझे आपने पूछा ना कि ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये मार पड़ेगी। हम भूखे थे, प्यासे थे, अल्लाह ताला ने हमें खाना खिलाया। हम यतीम थे, बेआसरा थे, हमारे सर पे सहारा नहीं था, अल्लाह ताला ने हमें ठिकाना दिया, हमें आसरा दिया। हम गुमराहियों में पड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने हमारी हदायत का बंदोबस्त किया, हमने उसकी कदर नहीं की। तो जब ऐसे होता है तो फिर अल्लाह ताला उस कौम को झिझोड़ के रख देता है। फिर अल्लाह ताला की वो लाठी हरकत में आती है कि जिससे बचना मुमकिन नहीं होता। बेशक ये चीज़ मुसल्लम है कि अल्लाह ताला ने इसी कौम से वो काम लेना है, इसलिए नहीं कि हम इस काबिल हैं, इसलिए कि हमारी बारी है। दुनिया के ऊपर अरब हुकूमत कर चुके हैं, दुनिया के ऊपर फ़ारस के लोग हुकूमत कर चुके हैं, दुनिया के ऊपर रूमी हुकूमत कर चुके हैं, दुनिया के ऊपर अमरीकी हुकूमत कर चुके हैं, दुनिया के ऊपर रूसी हुकूमत कर चुके हैं, दुनिया के ऊपर मंगोल और ये मंगोलाइड्स और ये जो चाइनीज़ जीन्स जिनके हैं ये लोग हुकूमत कर चुके हैं। किसने हुकूमत नहीं की दुनिया के ऊपर करंट मॉडर्न हिस्ट्री में? हिंदुस्तान ने नहीं की, इस खत्ते ने नहीं की। हमारी बारी है। अल्लाह ताला ने दुनिया का बैलेंस रखना है, हर एक को एक एक बार बारी देनी है, इसलिए। और ये उसकी रहमत है कि उसने हमारे लिए वो चुना कि जो खैर का जो खैर है, जो हक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हक़ चुना है। हम इमाम महदी का साथ देने वालों में से हैं, हम हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का साथ देने वालों में से हैं, हम वो लोग हैं जो यहाँ से निकलेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। लेकिन वो अल्लाह हमसे करवाएगा, इसलिए नहीं कि हम डिज़र्व करते हैं, और उसके लिए हमें मार पड़ेगी, उसके लिए हमारी इस्लाह भी होनी है। फिर हमारे अंदर से जो गंदगियाँ या गलाजतें वो निकलेंगी, वो निचड़ेंगी, और बहुत सख्त रगड़ा आने वाला है इस कौम का। मैं ये किसी अपनी कोई किसी प्रोफेसी नाउज़ुबिल्लाह उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको कुरान से साबित किया है कि अल्लाह की इतनी नेमतें आई, हमने कदर नहीं की, अब हमारी बारी है। और अल्लाह ताला इस बारी को दिलवाने के लिए अच्छी तरह रगड़ा देगा और फिर हमें प्योर करेगा ताकि हम इस काबिल हो सकें कि ये जिम्मेदारी संभाल सकें। और फिर वो वाला वक्त आएगा कि इमामुल महदी का भी ये कौम साथ देगी, जो उनमें से बच जाएंगे अहले खैर। अल्लाह ताला हमें अहले खैर में से करे। कोई पता नहीं जो जितना ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे महफूज रखे, उसी के अंदर तकब्बुर हो, उसी के अंदर बड़ाई हो, और अल्लाह माफ़ करे इब्लीस की तरह उन लोगों में ना शामिल कर दे जो नुकसान उठाने वालों में से। लेकिन ये मार बहुत करीब है, बहुत करीब है। अगर इस कौम ने ख़ुद को बदल लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखेगा, लेकिन अगर नहीं बदला तो अल्लाह माफ़ करे। एक बार हम देख नहीं चुके 2005 में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें झंझोड़ के रख दिया, ज़मीन में धंसा के रख दिया। और जो अजाब की फॉर्म हम बस्तियों के बारे में कुरान में और रवायात में पढ़ते थे वो इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखी हैं। एक जगह पे हम जलजले के बाद गए तो मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और हमने समझा ये प्लेन ज़मीन है और हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं लोग जिनकी हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, कुछ हेल्प कर सकें। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी देर से एक बस्ती के ऊपर खड़ा हुआ था जो ऊंधे मुँह उल्टा दी गई थी, जिसका नाम और निशान तक नहीं था, जिनकी छतों के ऊपर हम खड़े थे और हमें पता नहीं था कि बस्ती हमारे पैरों के नीचे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे साथ हो चुका है। ये अर्ली 2000s में क्या हुआ है, 1 लाख जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 1 लाख के करीब गली गली हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, फौजी, सिविलियन, औरतें मारे गए। हमें एहसास नहीं है, क्लींजिंग हुई है, लेकिन अगर अभी भी हमारी इस्लाह नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ी क्लींजिंग होगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ से कुछ लोगों को उठाएगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करे, अल्लाह ताला हम सबको, मुझे आपको जो भी सुन रहे हैं सबको अहले खैर में से रखे। फिर वो इस्लामी निज़ाम यहाँ पर कायम होगा। वो अल्लाह ज़बरदस्ती करवाएगा, हमसे नहीं होना, ना इस हुकूमत से होना है, ना इस फौज से होना है, ना आवाम से होना है, ना किसी तंजीम से होना है। जब हम इनफरादी इस्लाह कर लेंगे फिर अल्लाह ताला की रहमत आएगी और वह इनफरादी इस्लाह अब अल्लाह ताला ज़बरदस्ती करवाएगा क्योंकि हम तो नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम कायम होगा और फिर जब यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम कायम होगा फिर पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा, अल्लाह की रहमतें आने लगेंगी, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और फिर यहाँ से वो काले निशान उभरेंगे, पाकिस्तान के काले जंगी जहाज़ जाएंगे और जो मशरिक़ वस्ता के इलाके मुसलमानों के हाथों से निकल चुके होंगे उनको जाकर बाजियाब कराएंगे। अल्लाह ताला हमें, मुझे, आपको और जितने भी सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे सबको अल्लाह ताला उनमें शामिल फरमाए। इसमें अभी स्पेसिफिक्स भी बड़ी पूछने वाली हैं।